the first problem based on refraction. Should we place an object so that image can be formed on it at the same point on the object itself? It is given that the concave mirror whose radius of curvature is said to be 20 cm, it is having inside the curved surface water is placed up to the height of 12 cm measured along the optical axis. म्यू ऑफ वाटर इज गिवेन 4/3. फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कौन साइड करेगा, याद है कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, क्या होगा बोलो तो, कॉन्सेप्ट बताओ मेरे को, खाली एक लाइन में कॉन्सेप्ट बताओ, क्या करना होता है इसमें? मार खाएगा ना सीधा, एकदम नानी घर जला जाएगा. Apparent shift वाला कहाँ है? मैं क्या पढ़ो उसको? Where should we place an object on the axis so that image can be formed on it? यानी object image एक point में ही होगा. जहाँ object है वो position कहाँ है? How far above the water? मेरे को तो water का height पता है 12 cm, ये कितना ऊपर है नहीं पता है. मान लो x, मेरे को concave surface का radius of curvature दिया है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, लेकिन वो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है, उसी को तो निकालना है. और साथ में करना क्या है, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे ही इमेज बनेगा, ये बात भी दिया हुआ है. तो देन व्हाट शुड वी डू, याद है कि नहीं कॉन्सेप्ट, या भूल गया सब कुछ? ना वो लगाना याद आ रहा, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ऐसा ना क्या एक तो है बोला. हाँ, मार खाएगा सीधा. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट याद है? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट मैं बोलता हूं तो तब याद आ जाता है, नहीं उसके पहले नहीं आता. चलो बनाओ. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बताया था, टेक्निक क्या बताया था? लाइट जिस पाथ में ऑब्जेक्ट से मिरर तक जाएगा उसी पाथ में अगर वापस आए तभी जाकर ऐसा संभव है कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बनेगा. यही था ना कॉन्सेप्ट? लाइट रे ऑब्जेक्ट टू मिरर तक जिस पाथ में जाएगा उसी पाथ में उसको वापस आना है. रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट से एयर टू वाटर का रिफ्रैक्शन लूँ, ऑब्वियस है कि एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइट ट्रैवलिंग, चूंकि ऑब्जेक्ट एयर में है, मिरर की तरफ लाइट जा रहा है, तो एयर टू वाटर का रिफ्रैक्शन है. ये जो लाइट का मोशन है ये क्या है? एयर टू वाटर है ना, एयर टू वाटर, रेयरर टू डेंसर. तो लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल से के तरफ मूव करेगा, क्लोजर आएगा. अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे पोर्शन है इनसाइड वाटर विच इज गोइंग टू हिट द कॉन्केव मिरर, द कर्व मिरर सरफेस, ये क्या होना चाहिए? दिस मस्ट बी द नॉर्मल इंसिडेंस. ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए फॉर व्हाट? रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. फॉर रिवर्सिबिलिटी टू बी फॉलोड. रिवर्सिबिलिटी फॉलो करने के लिए, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए? ये लाइट जो
रिफ्रैक्टेड रे पोर्शन है पहला रिफ्रैक्शन का फॉर लाइट ट्रैवलिंग एयर टू वाटर, वो इनसाइड वाटर जो है मिरर में जाके नॉर्मल हिट करना चाहिए, यानी कि जिस लाइन में जाके हिट करेगा कॉनकेव मिरर में उसी लाइन में वापस आना चाहिए, हाँ या ना। दैट मीन्स इफ आई से ओ लेट दिस पॉइंट मार्क्ड एज ए, दिस पॉइंट मार्क्ड एज बी, सो ये जो ए बी वाला लाइन है, ए बी वाला लाइन है, बीइंग इट इज अ नॉर्मल इंसिडेंस ऑन द मिरर, दैट मीन्स ए बी लाइन शुड अपीयर टू पास थ्रू द नॉर्मल इंसिडेंस वाला लाइन कॉनकेव मिरर में कहां से पास करता है, बोलो, नहीं बोल पा रहा है। लाइन ए बी, लाइन ए बी मस्ट पास थ्रू, अच्छा, सो ए बी लाइन मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर मैं ए बी लाइन को रिट्रेस करूं तो ये देखो, ये जिस पॉइंट से आएगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मेरे को अगर मैं इसको पोल मानू, पी पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, सो मेरे को पी सी का लेंथ पता है, सिंस पी सी इज इक्वल टू रेडियस, सो दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर नोन टू अस, राइट। जिसमें से मान लो ये एस है, जिसमें से मेरे को एस पी सरफेस से लेके पोल तक का डिस्टेंस दिया है एज, दैट इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस एस टू पी सी टू एस, देयरफॉर सी एस जो है वो हो जाएगा 20 - 12, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर बींग इट इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, आउट ऑफ विच 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इज अवेलेबल विथ वाटर, सो रेस्ट इन एयर इट इज 8 सेंटीमीटर, तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड समवेयर इन बिटवीन सरफेस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो दैट द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्टिकल केस दैट इज एयर टू वाटर रिफ्रैक्शन, इसका अगर ध्यान से देखे एयर टू वाटर रिफ्रैक्शन में जो रिफ्रैक्टेड रे पोर्शन है दैट अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट सी, इसका मतलब हम कह सकते हैं एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या है, एयर टू वाटर, एट फर्स्ट रिफ्रैक्शन एयर टू वाटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स, एंड इमेज डिस्टेंस वो कितना होगा, 8 सेंटीमीटर, हाँ या ना बोलो, क्योंकि जो पहला रिफ्रैक्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, पहला रिफ्रैक्शन की वजह से जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट, being first refracted ray is a normal incidence on concave mirror, so that line must pass through the center of curvature of the mirror portion, yes. So that position is known to us, this is 8 cm, hai na, ye 8 cm yani ki ye C pe hi mere ko pehla image I1 banega due to first refraction, to C that is center of curvature will be image position and object is at unknown distance from the surface, तो हम रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस, देयरफॉर एट प्लेन सरफेस में रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा, म्यू ऑफ द सेकेंड विच इज वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ एयर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको कि हम लोग दूसरे टर्म में अपेरेंट डिस्टेंस बाय रियल डिस्टेंस या अपेरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4/3/1 इक्वल्स टू 8/x, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, कैलकुलेशन करेंगे तो 2x हो जाएगा 6, देख लो x विल बी 6 सेंटीमीटर, सो ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस, क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अबव द वाटर सरफेस such that object and image coincides.
चलो।